प्रोफाइल जो होगी वो भी मतलब वेरीफाई, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फ्रिज का ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। अब भाई देखो भाई मुझे भाई यहाँ पर दोस्तों 7,500 रुपये मुझे मिल चुके हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस करके मैंने। दोस्तों कैसे भाई आप लोग भाई अमेजोन का भाई पैलेटर को कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, बहुत सिंपल है, बहुत इजीली तरीका है, मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला भाई। मैंने अभी अभी दोस्तों अमेजोन पैलेटर एक्टिवेट किया है रिसेंटली में, ठीक है ना, और मैं आपको वही करके दिखाने वाला हूँ फिर से आज एकदम लाइव प्रोसेस के साथ साथ कि कैसे आपको दोस्तों अमेजोन पैलेटर को एक्टिवेट करना है। उससे पहले भाई मैं आपको ये बता दूँ भाई कि आपको करना क्या क्या पहले, ठीक है भाई। आपको पहले अपना मोबाइल नंबर रख लेना अपने पास, अपनी ईमेल आईडी, आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड, भाई ये चार चीज़ लगने वाली है जिनकी मदद से आप लोग अमेज़न का पैलेटर एक्टिवेट करोगे, ठीक है ना। और मैं आपको लाइव करके चलिए दिखाता हूँ, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि जब भी कोई वीडियो आता है ना अमेज़न का तो इसका नोटिफिकेशन आपको ऑल टाइम तक मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कर लो और भाई चलिए भाई चलते हुए मैं अपने अमेज़न के एप्लीकेशन पर वही करके दिखाऊंगा सब कुछ लाइव प्रूफ के साथ पे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अमेज़न पैलेटर कैसे एक्टिवेट किया जाता है बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस के साथ, पर वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखते चलो मैं आपको बताने वालों कि कैसे आप लोग अमेज़न का पैलेटर एक्टिवेट कर सकते हैं, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट पर कर लेते हैं, बहुत ही इजी सी प्रोसेस है, ठीक है ना। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखते चलना है, उससे पहले वीडियो को लाइक करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार धमाकेदार अमेज़न का वीडियो लाता रहूँगा आगे भी। तो चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई यहाँ पर मैं अमेज़न पा चुका हूँ, जैसे कि आपको पता ही है भाई, यहाँ पर आने के बाद सिंपल दोस्तों अभी हम यहाँ पर क्लिक करना है अमेज़न पे पर, हम भाई अमेज़न पर पे में क्लिक कर देते हैं। भाई यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है दोस्तों, आप थोड़ा सा नीचे आते हैं भाई यहाँ पर दोस्तों, आने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा भाई, यहाँ पर देखो भाई यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको मैनेज पर भाई केवाईसी अकाउंट, हम भाई सिंपल अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे भाई। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो पर्सनल डिटेल्स आ चुकी है, योर क्रेडिट स्कोर आ चुका है, केवाईसी आ चुका है, यहाँ पर देखो भुगतान सेटिंग के नीचे भाई यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आपको मिल रहा है अमेज़न पैलेटर, हम इस पर क्लिक कर देंगे भाई। यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक और पेज खुलेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर दोस्तों भाई इसमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं अमेज़न पैलेटर पर, यहाँ पर सब कुछ दिखाई देगा, ठीक है ना। फिलहाल दोस्तों हम नीचे आते हैं भाई, यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन आपको मिल रहा है चेक योर एलिजिबिलिटी, हम इस पर क्लिक करने वाले हैं। अब दोस्तों हमें चेक करना पड़ेगा क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं भी कि नहीं, अगर नहीं होंगे तो हम केवाईसी नहीं कर सकते हैं, अगर एलिजिबल हैं तो आप केवाईसी कर सकते हैं। चलिए हम एक बार ट्राई कर देखते हैं कि क्या होता है, इस पर आप क्लिक कर रहे हैं भाई। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है, ठीक है ना। अब भाई यहाँ पर सिंपल दोस्तों मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और नाम और अपना ईमेल आईडी और यहाँ पर पैन कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ पर आई एग्री में क्लिक करके सबमिट में क्लिक कर दूंगा भाई। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर ली, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं भाई, यहाँ पर दोस्तों हमें सिंपल भाई सबमिट के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे भाई। यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक नेक्स्ट पेज खुलेगा बहुत ईजी तरीके से, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ओटीपी आएगी भाई आपके मोबाइल नंबर पर, हम यहाँ पर जल्दी से अपनी ओटीपी दर्ज कर, भाई हमने ओटीपी दर्ज कर दी, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम सबमिट में क्लिक कर देंगे भाई। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा भाई, यहाँ पर आपका सिविल स्कोर भी पता चल जाएगा कितना सिविल स्कोर है और आपको पैलेटर पे कितना पैसा मिलने वाला है, ठीक है ना, आपको ये भी पता चल जाएगा। तो भाई यहाँ पर देखो भाई 776 सिविल स्कोर है भाई मेरा, मतलब काफ़ी कुछ ठीक है, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आपका मिल रहा है भाई देखो यहाँ पर कंटिन्यू, हम सिंपल कंटिन्यू में क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। अब भाई यहाँ पर दोस्तों क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा और भाई यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर देखो भाई बहुत सारी ऑप्शन मिलेंगे भाई, यहाँ पर देखो साइन अप जस्ट सेकंड लिखा, तो हम सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। हमने भाई साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं आखिर क्या बताता है, इसके बाद हम प्रोसेस जानेंगे कि इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, ठीक है ना। भाई यहाँ पर देखो भाई एंटर इन्फॉर्मेशन आ चुका है, वेरीफाई डॉक्यूमेंट, एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन और ऑटो ऑडियो रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। हम भाई यहाँ पर देखो हमारा भाई पैन कार्ड नंबर भी आ रहा है, यहाँ पर आपको सिंपल डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ पर डाल के यहाँ पर सिंपल आई एग्री में क्लिक करके कंटिन्यू में कर देना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर अपना पैन कार्ड का भाई लास्ट जो अंक होता है भाई 4 अंक पैन कार्ड का, हमें वो दर्ज करना है, इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ करना है, महीना और आपका जो भी है, उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू में क्लिक करना, हम जल्दी से कर लेते हैं। ये दोस्तों हमारा पहला स्टेप है, इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर एग्री में क्लिक करेंगे भाई। यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक नेक्स्ट पेज खुल के आएगा दूसरा वाला, तो भाई यहाँ पर देखो आपका मोबाइल नंबर जो वेरीफाई होगा, इसके बाद यहाँ पर प्रोफाइल जो होगी वो भी मतलब वेरीफाई, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फ्रिज का ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। अब भाई देखो भाई मुझे भाई यहाँ पर दोस्तों 7,500 रुपये मुझे मिल चुके हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस करके मैंने यहाँ पर अमेज़न पैलेटर को एक्टिवेट कर लिया है, बहुत इजी, और भी आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। एग्री में क्लिक करेंगे, कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो ऑप्शन दोस्तों ऑटो पे का ऑप्शन आया है, नेट बैंकिंग आया है, यहाँ पर UPI क्या है। अब भाई यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना दोस्तों कि जब भी आप दोस्तों पेमेंट कर लेते हो, दोस्तों अगर आप पेमेंट करते हो भाई पैलेटर का यूज़ करके, तो आपका पैसा उसमें कैसे आप उसको पैड करोगे, तो यहाँ पर नेट बैंकिंग से करोगे,
डेबिट कार्ड से करोगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ फिल कर लेना है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर मैं अपना यू पी आई डाल दे रहा हूँ भाई फ़ोनपे या पेटीएम का, तो जो भी मेरा पैसा यहाँ से मैं खर्च करूँगा अमेजोन पे का तो ऑटोमेटिक यहाँ मेरे पेटीएम से कट के यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, जितने भी ड्यू मेरा बैलेंस बचेगा। तो आपको यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेना है, चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो बाद में, लेकिन मैं अभी कर लेता हूँ फिलहाल में, ये मेरे लिए सेफ्टी रहेगा। ठीक दोस्तों, हमने भाई यहाँ पर अपना पेटीएम का यू पी आई डाल दिया, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई में क्लिक करेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पर वेरीफाई में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो अब मेरा जो यू पी आई भाई वो वेरीफाई हो जाएगा इस तरीके से, मेरा नाम भी आ चुका है और मैं प्रोसेस में क्लिक कर दूंगा, ठीक है ना। तो हमने भाई वहाँ पर अप्रूव कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों भाई सिंपल भाई हमारा भाई अमेजोन प्लेटर भाई एक्टिवेट हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने आपके सामने किया, ठीक है ना, आपको पता चल चुका है कैसे किया जाता है, मैंने आपको सब कुछ लाइव दिखा दिया है। तो भाई प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार अमेजोन की आगे भी वीडियो लाता रहूँगा। चलिए दोस्त मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो।